नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप लोगों के सामने पुरांजा ज्योतिष से। आज मैं भारतीय ज्योतिष का जो 12 किस्म के वयाना काल सर्प योग है उनमें से तीसरा किस्म का वयानक वासुकी काल सर्प योग कैसे एक जन्म कुंडली में होता है, उसका फल क्या होता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना और अगर आपके या आपके अपनों के जन्म कुंडली में ये योग दिखाई पड़ता है तब उसके बुरे फल से खुद को और अपनों को सुरक्षित रखना। जब कोई जन्म कुंडली में लग्न का तीसरा घर में राहु यानी के ड्रैगन्स हेड और नौवां घर में केतु यानी के ड्रैगन्स टेल का अवस्थान होता है और राहु केतु के जो एक्सिस है उस एक्सिस के कोई भी एक दिशा पे एक साइड में वो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज, बाकी सारा ग्रह उपग्रह और नक्षत्र का अवस्थान रहता है तब भारतीय ज्योतिष में उसको वासुकी काल सर्प योग माना जाता है। जब कोई जातक ये वासुकी काल सर्प योग लेके जन्म लेता है तब वो जातक खुद के बातों से किसी के भी दिल दिमाग और विश्वास जीत लेता है। इसीलिए ऐसे जातक सेल्समैनशिप में बहुत माहिर होते हैं। ज्यादातर समय ऐसे जातक लोगों के विश्वास जीतने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं और जब अंत में उसका झूठ सामने आता है तब समाज में ऐसे जातक को अपमानित होना पड़ता है। ऐसे जातक ज्यादातर भगवान या धर्म पे विश्वास नहीं रखते हैं। जिंदगी भर ऐसे जातक मानसिक तनावों का शिकार होते हैं। इन लोगों के साथ इनके भाई बहन और परिवार वालों का मतभेद लगा ही रहते हैं। जिंदगी में सफलता पाने के लिए ऐसे जातक को बहुत सारा कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। इन लोगों का कोई भी सच्चा दोस्त नहीं होता है। दोस्त लोग इनके साथ विश्वासघात करता है और अंत में इसको अकेला छोड़ देते हैं। इन लोगों का बहुत सारा एटीट्यूड और ईगो होते हैं, इसीलिए इन लोगों का परिवार से अकेला ही रहना पड़ता है। विवाहित जीवन भी इन लोगों का बहुत दर्दनाक होते हैं। इन लोगों का अहंकारी इन लोगों का विनाश के कारण होते हैं। इन लोगों का खुद के भाग्य इन लोगों का साथ नहीं देता। कोई भी काम से इन लोगों का आसानी से सक्सेस नहीं मिलता। अगर ऐसे जातक नौकरी भी करे तब इन लोगों के बॉस के साथ इन लोगों का अनबन लगा ही रहता है। इसीलिए ये लोगों को नौकरी में भी बहुत एफर्ट देने के बाद भी प्रमोशन या तरक्की नहीं मिलता। ऐसे जातक की जिंदगी में बहुत बार विदेश यात्रा होता है। विदेश यात्रा के वक्त में भी इन लोगों को बहुत सारे परेशानियों से गुजरना पड़ता है। जिंदगी में ऐसे जातक बहुत बार लीगल केसेस से गुजरता है। जिन लोगों के जिंदगी में वासुकी काल सर्प दोष है, अगर वो घर में वासुकी काल सर्प यंत्र स्थापन करके 16 सोमवार उपवास करके विधि से पूजा करे तब ऐसे समस्याओं का समाधान हो सकता है। या अगर ऐसे जातक सोना
चांदी या अष्टधातु का सर्प के नए अंगूठी बना के विधि पूर्वक शोधन करके मध्यमा उंगलियों में धारण करे, तब भी ये दोष से मुक्ति मिल सकता है। मैं सौरभ आपको कहूंगा कि अगर आपके कनकुंडली में ये योग है, तब आप कोई भी ज्ञानी ज्योतिष के साथ बात करके इस योग को जड़ से विनाश करें और खुद के जिंदगी को सुखमय करें। सही भारतीय ज्योतिष किसी को गुमराह नहीं करता है, ये ध्यान रखिए। भारतीय ज्योतिष कोई कुसंस्कार यह अंधविश्वास नहीं है, ये एक विज्ञान है और वेद का एक अंग है। इसीलिए मैं सौरभ आप लोगों से विनती करता हूं कि आप भारतीय ज्योतिष को सही तरह से जान के और उसको अपनी जिंदगी में प्रयोग करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। हमारे आने वाला वीडियो में हम बाकी 9 किस्म के वयानक कालसर्प योग के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आता है, तब प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। कोई भी सवाल या जानकारी के लिए आप हमें कमेंट और व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हैं। धन्यवाद।